जी खवातीनों हजरात, हम एक मरतबा फिर ख्वाजा नजमुल हसन को सेलिब्रेट करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हिम्मी टीवी एक मरतबा फिर बहुत ग्रेटफुल है कि ख्वाजा साहब ने अपने टाइम से हमें अपने आप को सेलिब्रेट करने के लिए टाइम दिया। और इससे पहले कि हमारी बातचीत शुरू हो, और फिर मैंने कोशिश करनी है कि हम बस एक एक जुमला जो है वो ख्वाजा साहब का हम बस रिकॉर्ड करें और उसको इंजॉय करें और उन यादों के साथ उन एक्सपीरियंसेस का हिस्सा बन के उनके साथ साथ सीखें कुछ ना कुछ। मैं आपको बताती जाऊं कि रेडियो नीदरलैंड ट्रेनिंग सेंटर से ख्वाजा साहब ने मिस्टर डन से 1982 में भी ट्रेनिंग ली। उसके बाद ट्रेनर्स ट्रेनिंग में उन्होंने कुआलालंपुर से भी ट्रेनिंग उनको मिली। बेसिकली वो एक ट्रेनर हैं। और उसके बाद जूनियर मैनेजमेंट ट्रेनिंग कोर्सेज उन्होंने टोक्यो में 1988 में किया। उसके बाद न्यू टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन वर्कशॉप जो है वो स्विट्जरलैंड से, और उसके बाद 3D एनिमेशन जो है वो एट डिज्नी वर्ल्ड फ्लोरिडा से USA से 1996 में। अब इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग पूरी दुनिया से और सारे हाई हाई जगहों से लेने वाले शख्स जो हैं अगर आज गिमी टीवी के मेहमान हैं और वो आपके साथ अपनी याददाश्तें और अपने साथ जो उनके साथ लिविंग लेजेंड थे जिनके साथ उन्होंने काम किया सीखा और वो हमारे साथ बैठी हों और हमको सेलिब्रेट कर रही हों तो कितना कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन बात करने स्टार्ट करने से पहले ख्वाजा साहब आपसे मैं ये पूछना है, क्योंकि आप देखें ये शो जो है वो नौजवान नस्ल भी बहुत देखती है और मैं खुद बहुत इम्प्रेस हूँ कि आपका जो एनर्जी लेवल है आप बताइए। मैंने भी इतना ज्यादा एनर्जी लेवल करना, जब मैं आपकी एज की हूँ तो मैंने भी बिल्कुल 30 साल की बन जाना है जैसे आप अब हैं। देखिए जी, अब आपको मैं बताऊं कि ये काम जो है, चूंकि मैं ट्रेनर भी हूं साथ में प्रोड्यूसर भी हूं, और मुझे अभी अल्लाह ने इतनी वो दी हुई है हिम्मत कि मैं काम कर लेता हूं, और जो काम करता हूं वो अब आप देखिए, एक काम शुरू किया मैंने 2019 में ATV से, नेटवर्क से, लेट नाइट म्यूजिक शो आजकल चल रहा है ये आलम शौक का, वो मैं कर रहा हूँ। और 50 किस्तें कर मैंने, हालांकि सोचा था कि 6 किस्तें करके तो मैं कहूंगा जी खुदा हाफिज, मगर वो इस कदर मैंने असल में जो काम किया ये ट्रिब्यूट था हमारे जो मुनीर नियाजी हो गए, अहमद फराज हो गए, फैज अहमद फैज हो गए, उनकी पोइट्री पे 2 घंटे का, परवीन शाकिर, तो कितने शायर हमारे बेहतरीन हैं जिनके 10-10 गाने वो मैंने चुनने होते हैं। फिर कंपोजर्स भी मेरे ऐसे हैं जिनके 10 गानों से कम तो कोई है ही नहीं। सो दीज आर द थिंग्स आई हैव डन। अभी मैं कर भी रहा हूँ 50 करने के बाद, अब बीच में कोरोना आ गया तो उसकी वजह से मैंने कहा जी अभी इसको रिपीट करें, जब हालात कुछ थोड़े से बेहतर होंगे तो फिर करेंगे। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। और आज अभी मैंने सोचा कि इस वक्त अनक्राउंड जो क्वीन है उर्दू गजल की इकबाल बानो उन पे करते हैं, क्योंकि वो बहुत, एक तो मैं बात बताऊं, बहुत उन्होंने अपने आप को कभी, जिस तरह और होती है ना हमारी क्वींस वो हर वक्त ग्लैमर में रहती हैं शो बिजनेस में, ये बेचारी इकबाल बानो जो थी वो सारी उम्र मुल्तान में रही, आपको तो पता है, ट्रंक कॉल में कत्ता था तो वो आया करती थी, ट्रेन पे आती थी, रेलवे स्टेशन ब्रगेंजा होटल में ठहरा करती थी, 500 रुपए पर सॉन्ग हम देते थे, बड़ी खुशी से वो ले लिया करती थी, पैसों भी उन्होंने तक एतराज नहीं किया था। अच्छा, अब आप देखिए, मैंने बानो के साथ 1974 से लेके 2005 तक काम किया, अब आप काउंट करते जाइए कि कितने साल हो गए उसमें। और मैं अभी नया ना एमए करके गया ही था, उनका पहली प्रोग्राम मेरी जो था, हमारा जो प्रोग्राम शायरों पे होता था वो मैंने उनके साथ किया था, वो मुझे उन्होंने बहुत पसंद किया, कहती कि नजम अब अच्छा ट्रस्ट बहुत करती थी मेरे पे। फिर ये हुआ कि वो जब गार्डन टाउन में हम रहते थे तो उन्होंने भी वहां पे शिफ्ट हो गई मुल्तान से, मुल्तान से पहले तो आती थी चली जाया करती थी। अब देखिए ये पहली हैं, इनके बारे में थोड़ा सा मैं लोगों को बताता भी चलूं कि लोगों को, ताकि इनके बारे में पता चले। इकबाल बानो जो थी शगुफ्ता दिल्ली में 1935 में पैदा हुई थी, 6 साल की उम्र में स्कूल में जब उनसे कहा जाता था लप्पे आती है दुआ पढ़े तो बड़े अच्छे तरीके सुर में पढ़ती थी, तो टीचर ने इन्हीं की ड्यूटी लगा दी कि आप अब मुस्तकिल क्लास ये सुबह आप ही पढ़ा करेंगी। फिर उसके बाद उन्होंने उस्ताद चांद खान, जिनका ताल्लुक दिल्ली घराने से था, उनसे सीखा, फिर मुल्तान रेडियो से गाती रही। उसके बाद ये हुआ कि मास्टर इनायत हुसैन 1954 में एक फिल्म गुमनाम बना रहे थे जिसे अनवर कमाल पाशा डायरेक्ट कर रहे थे, उन्हें मुल्तान से बुलाया गया
क्योंकि वो ठुमरी का गाना आपको याद होगा, पायल में गीत है छम छम के, जी ये ठुमरी एक गीत है जो कि वो चाहते थे कि, क्योंकि उस वक्त देखिए मैं आपको बताऊं, जिस वक्त ये मैं 50s की बात कर रहा हूँ, उस वक्त या मुनव्वर सुल्ताना होती थी या कौसर परवीन थी, या फिर उसके बाद मैडम तो अपनी फिल्मों में खुद ही गाया करती थी और प्लेबैक किया करती थी, तो उनको एक ऐसी खातून की जरूरत थी जिसको जरा सा क्लासिकल आता हो, जिसको ठुमरी वगैरह, तो ये परफेक्ट थी उसके लिए। ये आई और इन्होंने वो रिकॉर्ड किया और वो चली गई। अब वो गाना बहुत हिट हुआ। उसके बाद अब अगली फिल्म अनवर कमाल पाशा, वही मास्टर इनायत हुसैन बना रहे थे कातिल, उसमें उन्हें जरूरत पड़ गई दिल तोड़ने वाले देख के, चल हम भी तो पड़े हैं फिल्म में, वो फिर वो गाने के लिए फिर आई दोबारा। अब वो कहती हैं इकबाल बानो के, नजम ये गाना जब मैं देखने गई हूँ रीगल सिनेमा में, तो एक साल से ये फिल्म कातिल वहीं लगी हुई थी, ये मुसर्रत नज़ीर की फिल्म थी और सबिया खानुम और इसमें सारे लोग, असलम परवेज ही पहली मरतबा इंट्रोड्यूस हुए, डेब्यू परफॉर्मेंस थी, नय्यर सुल्ताना भी इसी फिल्म में पहली मरतबा आई, मगर किस्मत की धनी देखें, इनकी आवाज इतनी पॉपुलर हुई कि वो उस वक्त सुपरस्टार बन गई इकबाल बानो और लोगों ने बहुत पसंद किया। अब देखिए प्लेबैक ये करती थी या सबिया या नीलो, इन दोनों का वो कहती थी कि मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब मैं देखती थी सबिया को मेरे गाने पिक्चराइज होते हुए, जिस तरह परेशा रात सारी या सितारों तुम तो सो जाओ, या दूसरा गाना गुमनाम का हम भी तो पढ़े राहों में, वो भी सबिया पे पिक्चराइज हुआ है। फिर उसके बाद तो लाख चले रही गोरी थम थम के, वो भी सबिया पे पिक्चराइज हुआ है। फिर अम्बा की डायरियों पे झूलना झूला जा, ये फिल्म जो थी ये नागन में नीलो पे पिक्चराइज हुआ था और बहुत पॉपुलर हुआ। अच्छा अब ये देखिए कि मैं जब भी उनको बुलाता था वो हमेशा आती थी, उनकी एक ख्वाहिश होती थी कि देखो मेकअप वाला जो है ना वो राणा जहीर के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए, अगर वो नहीं होगा तो मैं वापस चली जाऊंगी, ये उनकी शर्त होती थी। हम मान लिया करते थे, हमने कहा चलें अब ये कह रही है तो इनको मान लेते हैं, तो राणा जहीर जो थे वो बहुत अच्छे इनका ख्याल रखते थे। अच्छा ये क्या करती थी, एक लॉन्ग प्ले साथ लेके आती थी अपना रिकॉर्ड का कवर तस्वीर, कहते थे देखो ऐसी मीना कुमारी मुझे लगना चाहिए। अच्छा और वो वाकई हाँ जी हाँ, अब कट था फेस का उसी तरह का राउंड था, मगर आईज तो मीना की बहुत ही हसीन थी, तो बेचारा बड़ी कोशिश करता था गजरे वगैरह लगा के राणा जहीर के इनको मीना कुमारी के थोड़ी सी शबाहत ही हो जाए। अच्छा हेयर स्टाइल भी वही चाहती थी मीना कुमारी की तरह हो। अब उनको मौसीकी का जो था अलबत्ता वो उनका था, बड़ी मुस्तकिल मिजाज थी, उर्दू का बहुत अच्छा सीधी गायकी थी, मैं आपको एक बता दूं मानो आपके बारे में, सीधा गाती थी और जिस तरह वो कहते थे ना मास्टर नायक सीधा गांधी सी, मगर जिस तरह अब सीधा गाना जो होता है ना हवा में गिरा बांधने के बराबर होता है, मास्टर गा करते थे, तो बानो में ये था। अच्छा तलफ़ुज़ बहुत अच्छा था बानो का, बानो में ये खूबी थी कि ठुमरी और गजल जो है ना उसमें उनका कोई सानी नहीं था। अपनी अदायगी के बारे में वो कहती है कि देखें बात सुने, शायर ने तो लिख दिया, कंपोजर ने कंपोज कर दिया, अब मेरा कहाँ काम है, मेरा काम अब आया है इसको मैंने अदा कैसे करना है। ये मैं वाह आपको इंटरव्यू बानो का है मेरे पास, अगर आप कहें तो वो फिर मैं आपको भिजवा दूं ताकि आप इस प्रोग्राम में आप जरा लगा लीजिए ताकि आपको आसानी भी हो जाएगी। तो जी इस तरह के देखिए चीजें जो हैं इन लोगों में, ये मैंने बहुत सीखी इन लोगों से। अच्छा फिर उन्होंने देखिए बानो की ये खूबी है कि उन्होंने बेहतरीन जितने कंपोजर्स हैं ना, खलील अहमद हो गए, हसन लतीफ हो गए, निसार बज़मी हो गए, नशाद, सब सबके साथ काम किया है, और शायरों में कुली कुतुब शाह से लेके वली दक्कनी से लेके अल्लामा इकबाल से लेके गालिब से लेके फैज से लेके किसको नहीं गाया है, कितनी बड़ी बात है। अब फैज की दो चीजें देखिए, एक चीज वो बताती हैं कि जब दश्ते तन्हाई बना तो फैज साहब ने रिजेक्ट कर दिया पहली मरतबा, तो इन्होंने कहा ये तो बहुत बुरी टीम है। फिर कराची में एक बहुत बड़े हमारे गुरु हैं, हम तो उनको गुरु कहते हैं, मेहदी जहीर साहब, जिन्होंने वो हम मुस्तफवी आपको याद होगा एक गाना गाया था उन्होंने, वो कंपोजर भी हैं, उनको पर्शियन की बहुत समझ बूझ है और वो पढ़े लिखे भी थे, वो रेडियो पे प्रोड्यूसर थे। फिर उनको बुलाया गया, फैज साहब ने कहा यार आप जरा देखें ये दश्ते तन्हाई नज्म, फिर उन्होंने बड़े खूबसूरत, अब देखिए ना दश्ते तन्हाई में ए जाने जहां लर्जा, ऐसे लर्जा वो लेके आई है कंपोजर, कहा तो कंपोजर ने, मगर आगे तो इन्होंने पेश करना था ना, हाँ क्या बिल्कुल खूबसूरत। तो बहुत हम खूबसूरत देखेंगे जी, फिर
देखिए हम देखेंगे जो था, मुझे याद है कि हम ये ज़ेवलिन का दौर था 84 में, और वुमेन्स ये जो था एक्शन फोरम WAF ने एक वहां पे सोचा कि ये हम करेंगे, हम देखेंगे लाजिम है के। तो बानो आपा को बुलाया गया किश्वर के घर में, किश्वर आपा ने इसको बुलाया, इन्होंने रिहर्सल की। इसरार साहब एक बहुत अच्छे हमारे कंपोजर है, उन्होंने ये कंपोज किया था। देखिए कितने गुणी लोग हैं जिन्होंने ये चीजें बनाई हुई है ना, और वो मुस्तनद है, ये नहीं कि आज लोगों ने सुना और चले गए। और वो जमाना वो भी था, मैं आपको बताऊं कि एक टेक 45 म्यूजिशियंस के साथ एक गो में होती थी। अगर कोई भूल गया तो फिर दोबारा से 25 25 30 30 टेक के मैंने खुद होते देखी हैं। निसार बज्मी की और मास्टर इनायत साहब बड़े सख्त होते थे, और वो सुबह से आते थे, शाम को 5 बजे तक वो गाना खत्म होता था। ये चाहे जितना मर्जी आप देख लीजिए, आजकल तो ये है ना कि वही एक स्टाइल लगा दी। उस जमाने में रॉक एंड रोल तो था नहीं कि वही पेस्ट कर दी जगह जगह, एक कितने से सुर में एक लाइन लेके उसको पूरे गाने में कर दिया, और लो ये जा वो जा। अब ये है कि देखिए, एज इकबाल बानो कहती थी, देखो उसमें रूह नहीं है उन गानों में जो कंप्यूटर से हुए होते। सब कुछ तो आप सही डाल देंगे, सुर भी डाल देंगे, वो भी डाल देंगे, एक छोटे से कमरे में बैठ के एक ही आदमी जो है वो शायर भी वही है, कंपोजर भी वही है, बैठ के वो गाना भी खुद ही रिकॉर्ड कर रहा है, पेस्ट कर रहा है। उस गाने में दम नहीं है इन गानों में। देख लीजिए आप कितनी दफा रिकॉर्ड होते हैं मगर उनमें बात नहीं होती। वही दोबारा सीरी रिकॉर्ड अगर करते हैं इन्हीं गानों को, दश्ते तन्हाई को, अब आप कितने लोगों ने गाया मगर वो बानो जैसी बात तो कहीं नहीं आती वो ना। ये तो उन्हीं अब की है, आप जो देख, उनकी है जी वो जी उन्हीं की है। जी अच्छा देखिए, अब ये उन चंद फनकारों में से एक है इकबाल बानो, जिनको पर्शियन शायरी का भी शौक था, और बड़े बड़े शोरा को उन्होंने गाया भी। अच्छा अब वो ये होता था कि 60s में, आपको अगर याद हो तो वहां पे अभी वो जमाना नहीं आया था अफगानिस्तान में, तो वहां पे बहुत बड़े शोज हुआ करते थे, बहुत बड़े मैदान होता था, वहां पे शोज हुआ करते थे और फारसी कलाम गाया जाता था, और वहां पे बादशाह के एक दिन तो वो आके बैठा करते थे, और लाखों का मजमा होता था। बड़ी वहां पे लोगों को समझ थी पर्शियन, ये पर्शियन यहाँ से सीख के जाते थे इकबाल बानो, और हजारों लोग उन्हें सुनने आते थे। अच्छा कुछ फिल्मी ठुमरियां जो उनकी बेहद पॉपुलर हुई, उनमें जैसे कि आंख का नशा का एक गाना था, ओ सनम बिछवा बाजे रे अगर आपको याद हो, या हमीदा का एक था मेरी टूट गई अंगड़ाई। फिर टेलीविजन के मैंने बहुत सारे उनके साथ गाने के, दागे दिल हमको याद आने लगे, लोग अपने दिए जलाने लगे, कितना खूबसूरत है। देखिए बाकी सदीकी ने ये बनाया था और बहुत अच्छा इन्होंने गाया, और अब तक वही चल रहा है। और इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें, गालिब की कई गजलें इब्ने मरियम हुआ करे कोई खलील अहमद ने बनाई थी, तो वो बानो आपा ने गाई। अब आप देखिए ये लोग वो हैं, जब मैंने टेलीविजन ज्वाइन किया ना 74 में, तो उस वक्त इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस हो रही थी, आपको याद होगा, जिसमें जी पूरे सारे जी मुझे याद, स्कूल मुसलमान थे। अच्छा मेरी ड्यूटी लगी हुई थी, अब वहां पे मेरी ड्यूटी थी कि ये जो महफिल है मौसीकी है जिसमें तमाम सिंगर्स थे, मेहदी का हसन, इकबाल बानो से लेके फरीदा खानम, तो इकबाल बानो ने पायल में गीत गाया, फरीदा जी ने गाया वो वाला फैज साहब की गजल गाई थी, मेहदी हसन ने गाया उस वक्त नया नया मेहदी साहब का 1973 में फिल्म आई थी आहट, उसका गाना बहुत मशहूर हुआ प्यार भरे दो शर्मीले नैन, वो उन्होंने गाया बहुत मशहूर हुआ, अखलाक अहमद ने गाया, अहमद रुश्दी ने गाया, महनाज ने गाया, नाहिद, यानी जितने यू नेम एनी सिंगर एंड ही वाज देयर। अब ये देखिए कितना 1974 का एक ये एक बहुत बड़ा वाकया था, जो शुक्र है मैंने कवर किया। फिर उसी दिन मुझे कहा गया कि आपने अब आप करना है इसमें, जितने शायर है ना एक मुशायरा भी करें आप, क्योंकि पूरी अच्छा दुनिया से लोग आए हुए थे, तो मैं मुशायरा में ड्यूटी मेरी लग गई। अच्छा अब मुशायरे में ड्यूटी क्या लगी, आपको या हिमायत अली शायर साहब कंडक्ट कर रहे थे, शुरू मुनीर नियाजी साहब से हुआ, खत्म फैज साहब पे और हफीज जालंधरी पे हुआ। अब आप सोचिए कि कितने बड़े नाम है। आप अभी अब मैंने ये नहीं, मैंने तो एक फिक्रे में ये बात बंद कर दी, मगर अगर आप सोचे फैज साहब, सूफी तबस्सुम, एहसान दानिश, शहजाद अहमद शहजाद, मैं तो अब नाम आपको बताता ही जा रहा हूँ ना, फर 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 फर, तो वो सारे लोग वहां सामने अगर बैठे हुए हो और आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो क्या लुत्फ आता है, आप बताइए मैं कितना लकी हूँ। अब आप देखिए शायरों का भी मैंने सारा काम सुखनवर किया, फिर मैंने दुनिया मेरी जवां किया, फिर अब मैं ट्रिब्यूट उन्हीं शायरों को मैं ट्रिब्यूट पेश कर रहा हूँ, मगर एक गाना नहीं, 12 12 उनके जो चीजें हैं उस हिसाब से। अल्लाह ताला ने अब मुझे ये, इसीलिए ये शायर जाने से पहले परवीन शाकिर आई हैं अपना पूरा वो दीवान देके गई कि नजम ये, तो उन्होंने कहा अख्तर साहब ने, अरे आपने अपनी जिंदगी में ये पूरा कर दिया, तो कहती जी मैंने सोचा टाइम था मेरे पास
तो मैं क्यों ना ये कर दूं, पूरी पूरा कलाम उन्होंने यकजा करके एक किताब की शक्ल में वो मुझे दे के गई, और 3 महीने के बाद उनका कार का एक्सीडेंट हुआ और वो चली गई। अब मैंने अभी पीछे इनको ट्रिब्यूट दिया है, उनका बेटा था अमेरिका में, उसको कांटेक्ट किया, उसने वीडियो अपनी भेजी अपनी माँ के लिए कि आपसे इतना प्यार था मेरी अम्मी का। देखिए, अब देखिए, याद तो इस तरह आदमी कर लेता है ना, यादें और ऐसी, वो मजबूर करती है कि नजम करेगा ये प्रोग्राम। यूसी देखिए, एक कोई ना कोई चीज, एक लिंक होता है। जी अब मुनीर होते हैं, नियाजी का मैंने आखिरी प्रोग्राम किया था जिसमें वो हमेशा देर कर देता, आपको याद होगा, जी, बिल्कुल 2003 में उनके बिल्कुल, जाने से पहले मैंने कहा जी ये तो कर जाइए, उनका वो खिराज तहसीन किया, और अब फिर मैंने मुनीर नियाजी का प्रोग्राम किया क्या इसी बात है, प्रोग्राम में। तो क्या इस तरह देखिए, जो जो लोग हैं वो मेरे ख्याल है मेरी किस्मत में यही है कि इनको दोबारा से रिवाइव किया जाए। रिवाइव किस्मत कर, क्या, अल्लाह ताला ने मुझे अगर दिया है ये यू काम आर और है चोजन, ना, आप सिलेक्टेड हैं, अल्लाह आई ताला एम चूजन, जी आई एम चूजन, आई एम करते चूजन, करते बट आई एम वेरी हैं। हैप्पी। मुझे इसलिए खुशी होती है कि मैंने इन लोगों को बहुत करीब से देखा, और इनके साथ, अब देखिए फैज साहब के बारे में कितना लोग डरते हैं। मैं ये हुआ कि 1976 में फैज साहब ने पयाम-ए-मशरिक को तर्जुमा किया उर्दू में, तो उन्होंने कहा नजम करेगा। अच्छा, अब फैज साहब 4 चीजें भिजवाते थे, तो कहते थे ये जो चीजें 4 है ना नजम, नीचे लिख देते थे अब हाथ से अपने कलम से कि ये वाली 4 चीजें फरीदा खानम गाएगी, ये 4 चीजें मेहदी हसन गाएगा, ये 4 चीजें इकबाल बानो गाएगी, ये 4 चीजें, मतलब इस तरह का उन्होंने बना के भेजा होता था। अब वो मेरे जी लिए बड़ी आसानी होती थी, मैंने फोन करना होता था, मैंने कहना था बानो आपा देखिए आ जाइए, फैज साहब ने 4 चीजें भेजी, पयाम-ए-मशरिक है, उर्दू तर्जुमा किया उन्होंने इकबाल का, लिहाजा इसमें तो कोई गुंजाइश नहीं इनकार की। तो बस फिर वो आ जाते थे, सिंगर्स भी आ जाते थे, रिकॉर्ड भी हो जाता था। 76 में ये हुआ कि जब इलेक्शंस हुए 76 में, तो मैंने और नैयरा नैयरा कहती कोई चीज फैज साहब से लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा कि कोई ऐसी गा दें, तो जबकि हम दोनों को डिप्यूट किया गया एक गाने का, तो हमने कहा चलो हम चलते हैं। मैं और नैयरा लिबर्टी में उस वक्त फैज साहब का ऑफिस था, तो वहां मैं और नैयरा जाकर बैठ गए, क्योंकि फैज साहब से शुएब साहब के घर पे सारा दिन अच्छा नैयरा चल फिर से मुस्कुराए, हम के ठहरे अजनबी, ये सारे हम कर चुके हुए थे प्रोग्राम है गाने जी, डाल मटोल में। तो कहते कि कैसे आयो, नैयरा ने कहा जी हम चाह रहे थे कि गाना करना था इलेक्शन ट्रांसमिशन में, तो हम चाहते थे कि आप कर लें। तो मैंने कहा कि जी ये तो मैंने मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी ये तो कहते ये तो नहीं हो सकता ये कि मैं अभी बैठ के तुम्हें लिख दूं और परसों जाकर तुम रिकॉर्ड करो, एक काम करो आप उठो सामने जाओ मेज पे। वहां पे मैं गया मेज पे, तो अच्छा 4 रिकॉर्ड पुराने 78 RPM के पड़े हुए थे, उठाओ अच्छा लेके आया मैं, ले जाओ इनको। अच्छा, उनकी एक फिल्म थी बहुत पुरानी बनी हुई थी, वो उसके गाने थे, वो फिल्म फ्लॉप हो गई हुई थी, अच्छा तो वो गाने में लेके आया। अच्छा, मैंने और नैयरा ने जब आके सुने, तो वो नसीम बेगम ने मुजरा गाया हुआ था, उसके बोल कुछ यूं थे लाओ अपने हुस्न की नाव नैना उतरे पार। अच्छा, अब नैयरा कहती है ये तो इतना अच्छा नहीं लगा मुझे गीत, तो हमारा कंपोजर करीम शहाबुद्दीन था, कहते सर आप फिक्र ही ना करें मैं इसको बंगाल के अंग में ले जाऊंगा, फिक्र लाओ, अब आपने कह दिया ना लाओ अपने हुस्न की नाव। तो नैयरा ने इतना खूबसूरत गाया, फैसा को यकीन नहीं आ रहा था कि ये अच्छा ये वही गीत है जो मैंने उस फिल्म में किया था, और तुमने ये फिल्म चली नहीं थी वो, आपको याद होगी इस पाकिस्तान में बनी थी ये फिल्म, उन्होंने जो अच्छा लिखी थी कहानी, तो वो फिल्म नहीं चली थी, वो था मछेरों के बारे में कहानी थी ये। ओके ओके तो इस तरह अब देखिए ये लोग कैसे अच्छे लोग हैं, मगर ये नहीं कि वो इनकार कर दे, कहते नहीं तुम्हें मैं इसका मुतबादिल देता हूँ, अभी देता हूँ, आप जाओ और ये सही, कर लो, तो मेरी मतलब मुझे पता है कि अच्छी चीज अच्छी बन जाएगी, और अच्छी बनी, ही लाइक इट इमेंसली। तो बानो आपा का फिर ये हुआ कि मेरी पसंद प्रोग्राम, मैंने इनको बुलाया 2002 में, तो देखिए 2005 तक मैं इनके साथ काम करता रहा। मुझे कहती मेरी पसंद एक ऐसा वाहिद प्रोग्राम है, सीजन 1 मैंने किया था 82 में, फिर 2000 में मैं जब पीटी वर्ल्ड में इस्लामाबाद में, मैंने नए सिरे से तमाम लोगों को, अच्छा मेरी पसंद का ये प्रोग्राम होता है कि टॉप 10 एक सिंगर के लाइव अनप्लग्ड गाना जी वहीं गाया जाता था। नैयरा हो गई, टीना हो गई, महनाज हो गई, ताहिरा हो गई, जी इकबाल जी बानो हो गई, फरीदा खानो, मेहदी हसन, गुलाम अली, आप यू नेम 105 प्रोग्राम मैंने किए हैं जो अभी भी चल रहे हैं, आजकल भी पीटीवी से चल रहे हैं। एक बात मैं आपको बताऊं कि मुझे पीटीवी ने बड़ा पैम्पर किया, इसलिए कि मैं काम एक तो अपने काम में मैं मगन रहता था, ना कुछ सियासत ना कुछ ना किसी सिंगर से, वो नूरजहां या फरीदा जी के साथ हमने काम अगर इकबाल बानो ने किया तो इज्जत वो अभी तक
करती हैं। आप हाँ देख लीजिए, फरीदा जी से कभी आप पूछे तो वो कहेंगे नजम का जितना भी काम है सब मेरे साथ बहुत ही अच्छा है। तो आज तो इकबाल बानो के बारे में मैं आपको, चूंकि उन पे ही प्रोग्राम कर रहे हैं, जी तो उनकी कई चीजें और भी बड़ी अच्छी गजलें हैं, और चूंकि वो इतनी पॉपुलर तो हुई नहीं, मगर यह है कि कम से कम 1 घंटा तो उन्होंने गाया। फिर दाग की बहुत अच्छी गजलें उन्होंने गाई हुई हैं, हाँ आपको अगर आप मेरे पेज पे जाइए तो उसमें हैं, आप वहां से ले सकती हैं, एंड देन यू कैन पुट इट इन माय प्रोग्राम। तो मेरा ओके ख्याल है आज का जो प्रोग्राम है ये इकबाल बानो पे है, अगला प्रोग्राम इंशाल्लाह फरीदा खानों पे होगा। बिल्कुल ठीक है। कितना अच्छा लग रहा है कि आज हमने आपके साथ साथ इकबाल बानो को भी सेलिब्रेट किया। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है ख्वाजा साहब कि क्यों नहीं उनको इतना इकबाल बानो साहब को साहबा को उस टाइम पे उनके टाइम पे ग्लैमर की वजह से या किस वजह से उनको उस तरह देखिए से मैं आपको बताऊं, वो रहती थी मुल्तान में। अच्छा, फिर वो बड़ी कॉन्शियस थी, वो पब्लिक में आती नहीं थी। बड़ी मुश्किल से मैं बुलाऊंगा तो अच्छा नजम मैं आ जाऊंगी, मगर ये कि प्रेस को ना बताइएगा, फिर चुपके से। अच्छा, उनके बेटे जो थे वो दोनों, वो इतराज करते थे कि अम्मी बस अब आपको क्या जरूरत पड़ी है, हम अब कर रहे हैं, आपको सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। मगर देखिए, गाना जो इतनी मेहनत से सीखा हो चांद खान से, देहली घराने से, और फिर वो वहां पे इकबाल बानो जो है वो ऑल इंडिया रेडियो से गा रही थी, तो इतनी जल्दी छूट जाता। मेरी चूंकि उनसे दोस्ती बिल्कुल बहुत ज्यादा थी, सारा दिन मैं उनके घर में बैठा होता था। अच्छा, अब वो मेरा एक आई एम अ बाइंडिंग फोर्स। इन्होंने कितनी दफा कही उन्हें छोड़े गाने, नैयरा ने 2 दफा छोड़ा, मैं उनके मियाँ से लड़ने गया। मैंने कहा देखो बात सुनो, डोंट ट्राई टू एक्ट लाइक रोशन आरा बेगम के हस्बैंड के जी, अब छोड़ो और घर बैठ जाओ। टीना को जब नसीर हुआ पैदा तो उसने भी छोड़ दिया, फिर मैं लड़ने चला गया, मैं और मेरी बेगम। तो कहती बच्चा बहुत छोटा है किसके पास रखूंगी, मेरी बेगम ने कहा मेरे पास छोड़ जाओ, मैं बेबी सिटिंग करूंगी, दोनों मेरे बेटे छोटे हैं तो उनके साथ खेलेगा, खुश हो जाएगा। छोटा था नसीर उस वक्त, बड़ी मुश्किल से रोती पिटती वो आई। मेरी पसंद आपने देखा होगा टीना का प्रोग्राम, टीना सबसे का पहला वो प्रोग्राम था, अमेजिंग अनवर मकसूद भाई थे उस प्रोग्राम को कंडक्ट किया करते थे, और इतना जितने फैसला। अच्छा, वो सिंगापुर से आई थी उस वक्त टीना, और ये पहला, मैंने कहा टीना ये प्रोग्राम तुम पता नहीं अब कब आओगी दोबारा, पहला प्रोग्राम तुम्हारा ही करते हैं। अनवर भाई को स्पेशली बुलाया, टीना ने रिकॉर्ड किया और उसके बाद वो करके चली गई। अब आप सोचिए कि अगर मैंने वो ना कराया होता तो टीना सिंगापुर में बैठी रहती अपने मियाँ के साथ, बच्चा बड़ा होता, और कभी ना बिल्कुल आगे वो कह रही थी, कहती तुमने अगर ना मुझे तंग करके लेके आते और तुम ना लड़ते मेरे मियाँ से तो आज मैं कब से छोड़ चुकी होती। यही नैयरा मुझे कहती, कहती इसने मुझे बैठने नहीं दिया। मैंने कहा जब अल्लाह ताला ने, देखे करोड़ों में एक अच्छी आवाज अल्लाह ताला देता है, ये भी लता जी की फैमिली में आशा और लता के अलावा बाकी तो कोई इतना बड़ा सिंगर नहीं है, ना ही कंपोजर उनके भाई है, ये अल्लाह ताला देन होती है जो लता जी को अल्लाह ने दिया, मैडम को। अब मैडम की फैमिली में सिर्फ मैडम ही थी ना, आगे तो उनकी जो थी जिले हुमा ने भी गाया। अच्छा, इकबाल बानो की बेटी कोई नहीं है, फरीदा जी की कोई बेटी नहीं है, मेहदी हसन के 4 बच्चे थे, उनकी भी आवाजें आप देख लें आपके सामने ही है। कुछ नहीं, बात नहीं बनी, कहीं नहीं बनी। अल्लाह ताला कहता है कि नहीं, आवाज जो है ना वो मैं हर एक को नहीं दे देता, हर व्हाट एक, गिफ्ट ये है एक जाएगा। हो सकता जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ख्वाजा साहब आप तो फिर एक तरह से आपकी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है। एक तरह से मैं मुझे ये कहने में आ नहीं कि यू आर अ किंग मेकर। आप अगर देखिए नैरा को कैसे वापस आप लेके, दोस्ती तो आप नैयरा, टीना, मुसर्रत नज़ीर, पहली मर्तबा देखिए वो अभी मुसर्रत पे पूरा एक प्रोग्राम करेंगे, व्हेन आई टॉक अबाउट हर, आप उनकी शादी में आके गीत लगाएंगी उनके, आहिस्ता आहिस्ता जो उन्होंने गाया चलो तो कट ही जाएगा, सारे गाने मुसर्रत के मैंने ही रिकॉर्ड किए। अब आप देखिए किस्मत की बात होती है, अल्लाह ताला, देखिए किसी, ये होता है कि अगर आप बकौल मुसर्रत नज़ीर कि अल्लाह ताला जो है ना आपका किसी फ्रीक्वेंसी पे जब आप हिट करते हैं दो दो लाइकली किस्म के लोग, लाइक माइंडेड लोग, तो वो बहुत अल्लाह ताला उसमें भी बरकत डालता है। इट इज अ बिल्कुल फैक्ट, आई बिलीव आई डू बिलीव दैट। दैट। मगर तो देखें अब बदनीयती शामिल नहीं होनी चाहिए, जो काम है ना, मैं यही कहता हूं, मैंने कहा देखो बात सुनो, पैसे कम मिलेंगे टेलीविजन से, आपको 500 का चेक मिलेगा या आपको 2,000 का मिलेगा या 3,000 का मिलेगा, मगर बात सुनिए ये अमर है ये गाने। और दूसरा, अब आप देख लीजिए किसी दूसरे नेटवर्क पे इन्होंने गाए में, इनमें से कुछ 15-20 लोग हैं, उनसे आप किसी एक की मिसाल ले लें, कहीं क्लिक नहीं हुआ। मैडम नूर जहां का कोई गाना जो है वो उन्होंने अगर गाया है कहीं किसी नेटवर्क पे तो कभी नहीं चला। फरीदा जी ने कितने गाए नहीं चले, मगर टेलीविजन पे वो गाने जो अमर है, इसलिए कि वहां मुस्तनद काम होता था, वहां पे कंपोजर्स जो है
बैठे होते थे, मैं हम सारा सारा दिन बैठ के शायर साथ होता था। अच्छा, अब वो अगली प्रोग्राम में फरीदा जी के बारे में जिक्र करेंगे, तो उसमें फिर गजलों का भी जिक्र होगा, फरीदा जी के बारे में बात होगा, मुख्तार बेगम के बारे में बात होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। और ख्वातीन हजरात, यहाँ पे हम लेंगे एक ब्रेक और उसके बाद फिर आपके पास हाजिर होंगे एक मतलब फिर।